नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम के बारे में कि इसका क्या पैटर्न और सिलेबस रहता है और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो पाए। इससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं पवन गोदारा वर्तमान में राजस्थान सरकार के अधीन शिक्षक पद पर कार्यरत हूं, मेरे गृह जिले हनुमानगढ़ में ही। और इससे पहले जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम था 2017 का, उसमें मेरा चयन हुआ था और मैंने मेरे गृह जिले हनुमानगढ़ के ही जिले सेशन न्यायालय है उसमें मैंने 9 महीने की सेवा दी थी। तो मेरा किस प्रकार चयन हुआ था उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन जितना इजीली होता है उतना किसी भर्ती में नहीं हो पाता। कारण यह है कि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और दूसरा क्या है कि टाइपिंग है, कि जिस भर्ती में लेवल ज्यादा होते हैं उसमें सिलेक्शन ज्यादा इजी होता है। कारण यह भी लोग अब कंप्यूटर के नाम से क्या है फॉर्म ही नहीं भरते, लेकिन कोई टाइपिंग है इतनी बड़ी चीज नहीं है, 1 महीने में अच्छी स्पीड के साथ सीखी जा सकती है। उसके बाद में हम आपका जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब टाइपिंग के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एग्जाम देना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो आपके हिंदी, इंग्लिश और जो राजस्थान जीके हैं उसके क्वेश्चन आएंगे 150, प्रत्येक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, हिंदी में हमें क्या पढ़ना चाहिए। हिंदी में दोस्तों आपको पढ़ना है कक्षा 9 से 12 तक का जो व्याकरण है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो राघव प्रकाश बुक है वो अच्छी तरीके से पढ़नी है। आप दोनों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो व्याकरण बताया वो और राघव प्रकाश दोनों को अच्छी तरीके से 5-6 बार पढ़ोगे तो आपका अच्छी तरीके से हिंदी आने लग जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आपका आउट इससे जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको बुक लेके आनी है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की। जो ल्यूसेंट बुक है उसको आपको बड़े साइज वाली बुक लेके आनी है, क्यों, ताकि उसमें आपके सारे जो सिलेबस है वो कवर हो पाए और उसमें बैक साइड में जो आपके हर टॉपिक के बाद एक्सरसाइज भी दे रखी है तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जहां मेरी बात, अभी मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ा था तो दोस्तों इंग्लिश में मैंने तो क्या जी हेल्प सूरतगढ़ के नोट्स पढ़े थे। कारण यह है कि मैं वहां पे तैयारी कर रहा था इंग्लिश से, और वर्तमान में मैं इंग्लिश सेकंड ग्रेड में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो उनके मैंने नोट्स पढ़े थे जी हेल्प सूरतगढ़ के। वर्तमान में जी हेल्प सूरतगढ़ ने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है LDC हाई कोर्ट की स्पेशल, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके तीनों के क्वेश्चन होते हैं और आपको शेड्यूल भी दिया जाता है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं आपके ईमेल पर, और जो आपके क्वेश्चन जो पेपर होने के बाद है लाइव सेशन के द्वारा आपको समझाया भी जाता है भी किस प्रकार इसका आंसर ये होगा, तो आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उनका जो चैनल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनके जो LDC का जो चैनल है उसमें टेलीग्राम वाले में उसमें आपके जो पीछे के क्वेश्चन पेपर है वो भी दे रखे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के अंदर आप बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी आपको, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा लक्ष्य की। लक्ष्य जो राजस्थान के नाम से बुक आती है अभी जो वर्तमान में आ रखी है 2020-21, उसके दो भाग आते हैं, भाग एक और भाग दो। उसमें एक भाग में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति आती है और दूसरे में भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। तो आपको अर्थव्यवस्था का टॉपिक छोड़ देना है, जो अगर कोई अर्थव्यवस्था का टॉपिक में करंट है तो करंट का पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना, तो दोनों बुक्स ये हो गई। इसके अलावा जो करंट जीके हैं उसमें जो मंथली मैगजीन आती है ये क्रोनोलॉजी और मुंबल, जो मुंबल 2 महीने वाली है वो आपको पढ़नी है, क्रोनोलॉजी पढ़नी है, और अगर एग्जाम जल्दी हो जाता है तो आपको जो लास्ट के टाइम में जो 6 महीने या जो वार्षिक आती है मुंबल की वो पढ़ लेनी है, इतनी काफी रहेगी आपके लिए। दोस्तों आशा करता हूं कि जो मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई है, मेरे जो एक्सपीरियंस आपको बताया अभी किस प्रकार हमें क्या पढ़ना चाहिए, आपको मैं तो मानता हूं भी उपयोगी सिद्ध हो वो और आप पढ़ें उनको। और भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, आपको कोई जिज्ञासा है तो आप
कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जवाब समय पर दे दूंगा। और लेकिन जवाब मैं उन्हीं का दूंगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं आपको मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।